घर में आज पूरा काम चल रहा है, मतलब पूरा साफ सफाई हो रहा है, मतलब पूरा घर ही पानी से भीग चुका है। और मैं जा रही हूँ शैम्पू लाने के लिए, आज लास्ट डे है ना इसलिए। बारिश तो होगा नहीं, बस थोड़ा सा बारिश हो करके किचिर पिचिर कर देगा। आ गई हूँ गाइस नहा करके। सुबह से ना मम्मी दीदी पूरा घर में लगी हुई है, और जो आंटी आती थी ना काम करने वाली, वो उनको एक्चुअली कोई प्रॉब्लम हो गया है तो वो काम करने नहीं आ रही है कुछ दिनों से, 1 वीक से। तो सारा काम मम्मी और दीदी पे आ गया, और ना मतलब सारा काम उनको करना पड़ रहा है, मैं लिटरली कुछ भी नहीं कर रही हूँ। इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मुझे भी प्रॉब्लम है, मतलब तबीयत ख़राब है मेरी, मतलब पेट में पैर में बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। और सुबह से मैं बस सोई हुई हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ। अभी उठी हूँ, नहाई हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही पड़ी रहूँगी ना तो मुझे कहीं कुछ छूने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अभी छुट का ख़त्म हुआ है ना, तो नहा ली जल्दी से। हाँ, मेरी जैसी बेटी ना किसी को ना दे भगवान, किसी को, मैं सच बता रही हूँ, किसी को ना दे। आज का खाना ये है, कम से कम हल्दी वाला तो है, जो भी बनेगा वो कल से बने हैं क्योंकि मम्मी और दीदी बहुत ज़्यादा थक गई है। ले लो तो अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है, अभी पूरा धुवाया है, पूरा फर्श वर्श एकदम सब अच्छे से वॉश हुआ है पूरा घर। 6 बजे सो के उठ रही हूँ, मुझे कहीं कहीं जाना भी था, कॉल्स भी आया, मैं सो रही थी आराम से, अभी उठ के देख रही हूँ कैंसिल हो गया। बाप रे कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है, देखो कौन ये रिया और तुम, वाह। आप भी सुंदर लग रहे हैं। सो के उठे, अरे सो के उठे, सो के उठ के दुकान जा रहे हैं। हाँ क्यूट लगते हैं, तुमसे ज्यादा कोई क्यूट लग सकता है। बिल्डिंग और फिर मैं आ गई घर। तो ये दीदी ना जब से आई है तब से ये लोग के साथ इतना टाइम स्पेंड करती है ना, मैं क्या ही बताऊँ, मुझसे भी ज्यादा। इतना दिन से लोग खेला नहीं है, देखो 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 भाग जाएगा, कितना बदमाश है, देखो तेरे दोस्त मुझे छोड़ के भाग गया ना, यही प्यार यही दोस्ती। रे दाती काटता है। आज मैं कहीं भी बाहर नहीं गई इसलिए मुझे रील्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आई एम गेटिंग फॉलोवर्स बिकॉज ऑफ माय डांस वीडियो। तो मैं सोची कि क्यों ना गैपिंग नहीं करते, सो आई एम गोइंग टू मेक अ रील्स, वही जिसको आप लोग मुजरा बोलते हो हिंदी में। तो चलो रेडी हो जाते हैं उसके लिए। सो एक 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 गंदी आदत मेरी, वैसे तो मेरी बहुत सारी गंदी आदतें हैं, बट एक गंदी आदत ये है ना कि एक ड्रेस को मैं पहन के जो रील्स बना लेती हूँ फिर मुझे वो ड्रेस दोबारा पहनने का मन ही नहीं करता है किसी वीडियो में। यही आदत मुझे भिखारी बना देगा। सो आई हैव अ ड्रेस जो कि मैं कभी भी नहीं पहनी हूँ, ठीक है, और ये 1 पीस है। द ओनली रीज़न कि मैं 1 पीस नहीं पहनती क्योंकि मुझे कोई ले जाने वाला नहीं है। अगर मैं किसी से मिलने के लिए भी जाती हूँ तो मैं अपना बाइक लेकर के जाती हूँ, तो 1 पीस पहन करके मैं बाइक स्कूटी चलो फिर भी चला लूँगी, बाइक कैसे चलाऊँगी। और थोड़े दूर जाने के लिए भी मुझे बाइक चाहिए, वहाँ से फिर अगर मैं किसी के साथ जाती हूँ तो फिर उसके साथ जाती हूँ, बट वहाँ तक जाने के लिए भी मुझे बाइक चाहिए। तो यार मेरे नसीब में 1 पीस तो फिलहाल के लिए नहीं लिखा हुआ है, पता नहीं मैं बाइक क्यों ले ली, मुझे स्कूटी लेना चाहिए था। कोई बात नहीं गाइस, जब यहाँ से जाऊँगी ना दिल्ली उसके बाद फिलहाल तो और फिर जो मुझे रील्स बनाना था रील्स बन गया, और उसके बाद मैं चली गई एज यूजुअल अपने काम पे। आई एम डन, कितना ज़्यादा गर्मी लगता है यार। वीडियो बना ली आज मैं कहीं भी बाहर नहीं, यार व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, मुझे समझ नहीं आता। अभी मुझे एक बात याद आया, आज जब मैं वीडियोस डाली एंड पीपल वी लाइक मुझे पता है व्लॉग में क्या होने वाला, हाँ सबको पता है व्लॉग में क्या होने वाला है, क्रंच भी करती हूँ, सबको पता है क्रंच में क्या होने वाला रहता है, क्रंच कर। अभी मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं व्लॉग ही डालूंगी ना यार। एक बात बता रही हूँ, मुझे तो कभी कोई खुश रहने देता ही नहीं है, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेसिकली, बस मैं बोल रही हूँ
क्योंकि आज मैं कमेंट्स देखी जब मैं क्रंच करती थी एंड लोग मुझे भर भर के गालियाँ देते थे, भर भर के, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन ना कभी खोलती नहीं हूँ जल्दी, मुझे पता रहता है एज एक्सपेक्टेड कुछ अच्छे कमेंट्स होंगे कुछ बुरे कमेंट्स होंगे, तो उसमें आता था क्या कर रही है, अपने लाइफ खराब कर रही है, दूसरों को सिखा रही है, एंड जब वो सब मैं छोड़ दी, लो आपके सामने लाइफ एग्जांपल है यार, लो मैं सब कुछ छोड़ करके ब्लॉग बना रही हूँ, तो अगेन पीपल बी लाइक क्या कर रही है, क्रंच सूट करता है तुम पे, ये वो। अब जो मुझे ये बोलते हैं ना कि जस्ट जो भी मुझे समझाने आते हैं, अब मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि ये क्या है, क्या है ये? जब मैं क्रंच बनाने जाती हूँ तो मुझे गालियाँ सुनने मिलती है, जब मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो मुझे गालियाँ सुनने मिलती है, मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। इसीलिए मैं सोचती हूँ ना कि दुनिया जो भी बोले, कुछ भी बोले, मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, वो मुझे पैसे नहीं दे रहा है, मैं पैसे खुद बना रही हूँ, मैं ब्लॉग खुद बना रही हूँ, उससे मुझे पैसे मिल रहा है। तो या आप लोगों की बात मैं नहीं सुनने वाली, हाँ ऑब्वियसली मैं ट्राई कर रही हूँ कुछ न्यू करने का, करती भी हूँ, जैसे कि कल दीदी के साथ की वैसे वैसे करूँगी। वैसे आज मेरा तबीयत ठीक नहीं था, पेट में दर्द था, इसलिए मैं बाहर नहीं गई। ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ गर्ल्स, ठीक है? तो मेरा रील्स बन गया, ठीक है, ओके। देखते हैं रात में खाना क्या बनता है। खाना क्या बनाया? फिर मेरी दीदी मेरे को रियलिटी चेक देते हुए ये बोलती है, खाना बना नहीं है, तेरे को ही बनाना है, जल्दी से जाओ और बनाओ। तो मैं गई और आटा सान कर रोटी बना ही रही थी, मतलब रोटी बनाना बाकी था, तब तक मम्मा का तबीयत ख़राब था बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो काम की थी इसलिए। फिर मैं मम्मा का पैर दबा करके आ गई रोटी बनाने के लिए। हे भगवान, जल्दी से मम्मा को ठीक कर दो। रोटी और सब्जी, ओके, लेट मी क्लियर समथिंग। जब हम लोग फ्रंट कैमरा से वीडियो बनाते हैं, वीडियो शूट करते हैं, तो लेफ्ट वाला राइट और राइट वाला लेफ्ट दिखता है, ठीक है? तो कंफ्यूज क्यों हो जाते हो आप लोग? दीदी आप लेफ्ट से खाते हो? नहीं, मैं राइट से ही खाती हूँ। ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है, तो इससे और यही मैं अगर बैक कैमरा से बनाऊंगी ना तो सब कुछ सही लगेगा। जिसको नहीं पता था थैंक्स मी लेटर। फॉर यू ऑल एक छोटा सा ग्रेवी, थोड़ा सा बड़ा, एक मिनट का, ठीक है, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है। वही भैया के रूम में, हाँ देखो एक बार। आई थिंक मैं बहुत अच्छा क्रंच करती हूँ ना, अगर करना चाहूँ तो, बट वाइटी ये रोस्ट होने के बाद इतना अच्छा लग जाता है। ओके, अब नहीं, अब नहीं। बाय, गुड नाइट, जल्दी सोने के लिए।